कैसी है मोहसिन की? होश में तो है? हाँ हाँ, तुम फौरन फौरन पहुंचो अस्पताल, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ जलाल मोहसिन को? दुआ करो बस, मैं हॉस्पिटल पहुंच के तुम्हें बताता हूँ। मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। तुम यहीं ठहरो ना। चौधरी साहब थक गए होंगे आप, इतने लंबे सफर से आए हैं, थोड़ी देर जाकर आराम कर लेते। हाँ ना, 40वें का माहौल था, वो भी सोगवार सबक गुजरा, काम भी गांव के पूरे नहीं हो सके, काम बहुत है, फिर चला जाऊंगा। अब तो काफी थकावट भी हो गई। आज तुम टाइम से आ गए, तेरे अब्बा जी तेरा ही पूछ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? ये क्या हुआ भाई? लगता है किसी से लड़कर आया, मैं जरा देखती हूँ उसे। सिर्फ देखना ही नहीं, जरा तमीज भी सिखाना इसे। 3 दिन बाद आया बाप, और उसे फुर्सत नहीं है 2 मिनट भी बैठ के बात करने की। समझा दूंगी चौधरी साहब, समझा दूंगी, पहले खुद तो समझ लूं कि उसे हुआ क्या है। क्या हुआ समीर, सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो यहाँ क्यों आए हो? तेरे अब्बा जी तेरे दादाजी का 40वां करके 2 दिन बाद वापस लौटे हैं, 2 घड़ी उनके पास बैठ जाते। आ जाऊंगा थोड़ी देर में, अभी मुझे अकेला रहना। समीर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? सच बताओ क्या हुआ? हजार बातें होती हैं अम्मा, हर बात नहीं बताई जा सकती। ऐसी कौन सी बात है जो माँ को नहीं बताई जा सकती? कहा भी था कि मुझे हॉस्पिटल में ही रहने दे, ऐसे ने इज्जत करके मुझे वापस भिजवा दिया, फोन भी नहीं उठा रहे कोई। बात करो, मेरी हिम्मत नहीं है। तुम जी जी बड़ी मैं कर रही। हेलो जी बाबा, ठीक है, खुदा हाफिज। बेटा देखो मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाना। ऐसी कोई बात नहीं है बड़ी मी, बाबा कह रहे थे कि डॉक्टर ने कहा है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मोहसिन ने तो बचपन से इतनी आजमाइशों में सारी उम्र गुजारी है, बस अल्लाह उसको और किसी आजमाइश में मत डाले। कुछ नहीं होगा मोहसिन को इंशाल्लाह। बेटे से कोई बात पूछो तो वो कहता है माँ हर बात बताने की नहीं होती, और इधर आपने मुंह पर चुपके ऐसे ताले लगाए हैं कि पूछने से डर लगता है। क्या आप भी यही कहेंगे? लेकिन चुप तो मैं भी नहीं रह सकती, बताएं सब खैरियत तो है ना, हुआ क्या है,
क्या परेशानी है? बानो, मुद्दत से एक बात तो छुपाई है मैंने तुमसे। हाय मैं मर गई। कौन सी बात छुपाई है आपने? तुझे याद है ना अब्बा जान की वफात से कोई दो एक दिन पहले मुझे तन्हाई में बुलाया था और कोई बात की थी उन्होंने। हाँ अच्छी तरह याद है मुझे। मैंने आपसे बल्कि पूछा भी था। आपने कहा था कि बीमारी की वजह से परेशान है। हाँ, उन्होंने उस दिन मुझे भी चौंका ही दिया था। सुरैया, सुरैया को याद करके हो रोए रोए देर तक रोते ही रहे। क्या सुरैया को? अब्बा जी ने तो खुद कसम दी थी कि इस हवेली में सुरैया का कोई जिक्र नहीं करेगा। हाँ ना, उन्हें पता था ना कि सुरैया का कोई कसूर नहीं है। दरअसल सुरैया का मियां चूंकि बड़ा बदमिजाज बदतमीज था इसीलिए उन्होंने सुरैया से भी मुंह मोड़ लिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही चौधरी साहब कि सुरैया की मौत के इतने साल बाद अब्बा जी को सुरैया की याद आ कैसे गई? सुरैया का शौहर जो बदमिजाज था ऊपर से हमने भी मुंह मोड़ लिया उससे तो बेचारी सुरैया अकेली सब दुख झेलती रही। खैर है आपको भी मरी हुई बहन की मोहब्बत तड़पाने लगी आज। अरे सुरैया से मोहब्बत हमेशा से थी हमारी। अब्बा जी की डर से कभी उसका नाम ही जबान पर नहीं ला सके। अच्छा ठीक है आप चले जाइएगा उसकी कब्र पर। कब्र पे तो मैं जाते ही रहता हूँ। क्या अब्बा जी से छुपकर? नहीं नहीं मैंने बता दिया था बाद में अब्बा जी को भी। अच्छा तो अब किस बात की परेशानी है फिर? दरअसल अब्बा जी ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी मुझ पर। वो क्या? वो चाहते थे कि सुरैया के हिस्से की जायदाद मैं उनकी बेटी तक पहुंचा दूं। सुरैया की बेटी तक? हाँ, निशा नाम निशा उसका। माशाल्लाह जवान हो गई होगी। ये क्या हो गया चौधरी साहब आपको? बहन की मोहब्बत की बात तो ठीक है लेकिन ये निशा बैठे बिठाई कहां से आगे बीच में? अब्बा जी की वसीयत है ना, पूरी तो मुझे हर सूरत करनी है उसे। मेरा बेटा शुक्र अपना ख्याल रखा करो। अरे अम्मी क्या हो गया आपको? अच्छा खासा तो हूं मैं, बिल्कुल ठीक ठाक।
अल्लाह तुम्हें हमेशा ठीक रखे बेटा, नजर लग जाती है तुम्हें। अच्छा अब ये रोना धोना नहीं, प्यार मोहब्बत ठीक है। हाँ और तुमने ज्यादा हिलचुल भी नहीं करनी, ऊपर जाके अपने कमरे में आराम से लेट जाना है, समझ आइए? ओके बॉस। एहसन, मोहसिन की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो जरा गाड़ी में रह गई है, तो प्लीज ले आना। हाँ जी अपा। आओ मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ आती हूँ। नहीं अम्मी, एहसन या निशा ले जाएगी मुझे। और आप छोटी छोटी बातों पर क्यों परेशान हो जाती हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बाबा समझाएं अम्मी को। बच्चे ये तुम्हारी माँ है, माँ परेशान नहीं होगी तो और कौन होगा? मैंने सोचा था आप मेरी सिफारिश करेंगे, आपने तो पार्टी बदल ली। अगर तुम्हें इतना ख्याल है ना अपनी माँ का, तो अपना ख्याल रखा करो। जी बाबा। निशा बेटा तुम कमरे में छोड़ो। जी बड़ी अम्मी। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाने जा रही हूँ, ठीक है? जी। तुमने तो मुझे वेलकम किया ही नहीं। वेलकम होम। थैंक यू। एंड आई एम रियली सॉरी। नो इट्स ओके, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था। ले चलूं कमरे में? वाह निशा, इतने सारे फूल। हाँ और ये भी तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये सब मैंने नहीं किया, ये सब एहसन ने किया है तुम्हारे लिए। मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी ना तुम्हें। ऐसी शक्ल तब बनाना जब मैं मर जाऊं, अभी तो मैं जिंदा हूं। कितनी दफा मना किया है तुम्हें मोहसिन, ऐसी बातें मत किया करो। हर इंसान को एक ना एक दिन तो मरना है, और जब मरना है तो डरना और भागना कैसा? नहीं बाज आओगे ना तुम? जा रही हूं, मुझे नहीं बात करनी। अच्छा सुनो, अच्छा नहीं करता मैं ऐसी बातें, तुम प्लीज अपना मूड ठीक करो। ऐसी है मेरी शक्ल। हाँ ठीक कहा तुमने, बिल्कुल कार्टून लगती हो। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं, तुम कौन से शहजादा गुलफाम हो? अच्छा उस लड़के ने ज्यादा बदतमीजी तो नहीं की? इतनी हिम्मत उसकी, वो तो तुम साथ थे, वरना उसका वो हशर करती कि याद रखता हमेशा। कम तो अब भी नहीं की होगी तुमने, जानता हूं मैं तुम्हें। अच्छा फूल अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और वो वाले? सब बहुत अच्छे। I'm glad you liked it. इनको रोज पानी दिया करो, देखो पत्ते पीले हो रहे हैं सारे। बस हो गया, इसको डाल और फिर उसको डाल पानी। काम चोर कहीं के, सारे पौधे सुखा के रख दिए। अच्छी तरह पानी दे इसको, उसको भी। माँ जी अबा फिर गांव चले गए, लगता अब शहर में दिल नहीं लगता इनका। यही है? यही मतलब कमरे में? मैं मिलकर आता। अरे कमरे में भी नहीं है, हर वक्त हवा के घोड़े पर मत सवार आकर। क्या हो गया, सब खैरियत तो है ना? मैं तो तेरी तरह ये भी नहीं कह सकती कि हर बात बताने वाली नहीं है। अब जाने भी दे अम्मा, तूने तो बात दिल पर ही ले ली। अच्छा मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, गौर से सुन। काहे?
तुझे पता है ना तेरी फूफी की एक बेटी है। हाँ सुरैया फूफो की बेटी ना, सुना है उसका जिक्र तो बचपन में मैंने। तेरी अब्बा जी उसको ढूंढ रहे हैं। किस लिए? तेरे दादाजी की वसीयत है कि सुरैया के हिस्से की जायदाद उसकी बेटी तक पहुंचा दी जाए। लेकिन अम्मा जी, दादा को तो उनका नाम तक लेना पसंद नहीं था, तो अब अचानक से हिस्सा देना कैसे याद आ गया? बेटा जी, बुढ़ापे में इंसान को कोई बीमारी लगे ना लगे, पछतावे की बीमारी जरूर लग जाती है, और यही कुछ तेरे दादाजी के साथ भी हुआ। उन्हें आखिरी वक्त में सुरैया की बेटी की याद आ गई, निशा नाम है उसका। लेकिन अम्मा तूने तो बताया था कि जब पप्पो के मरने पे आप लोग गए थे तो पप्पा ने बड़ा बुरा सलूक किया था दादाजी के साथ। हाँ हाँ, ये सब वहीं से तो शुरू हुआ है, तभी से तो बिलाल से किसी ने ताल्लुक नहीं रखा और ना उसकी बेटी से। तो अब अब्बा जी सुरैया पप्पो के घर गए हैं। हाँ, बैठे बैठाए पता नहीं अचानक से चौधरी साहब को क्या सूझी है, कहते हैं मौत का कोई भरोसा नहीं है, हकदार तक उसका हक पहुंचे तो अच्छा है। अरे कौन सा हक, कैसा हक? इतने अरसे तक तो याद नहीं रहा उनको, अब हक देना याद आ गया। यही बात मैंने तेरे अब्बा जी को भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन तेरे अब्बा जी की समझ में मेरी बात आती कहाँ है। अरे ऐसे कैसे नहीं समझेंगे, मैं खुद समझाऊंगा उन्हें। कभी याद नहीं आई, अब अचानक से हक देना याद आ गया। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल घर पे है? साहब तो यहाँ नहीं होते, साहब तो बाहर होते हैं, मुल्क से बाहर होते हैं। आप कौन साहब? बनोई है वो मेरा। अच्छा, तो आप निशा बीवी के मामू हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ, निशा उसके साथ ही गई? नहीं साहब, निशा बीवी तो उनके साथ नहीं रहती, वो तो अपने ताया के साथ रहती है। तो निशा से कोई रابطہ हो सके, कोई पता कहाँ मिल सके, कोई नंबर है उसका तुम्हारे पास? साहब उनका तो कोई नंबर तो मेरे पास नहीं है, हमारा रابطہ तो बिलाल साहब से रहता है, वो नंबर है मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए, बस निशा का ही चाहिए था। ऐसे साहब, निशा भी बहुत अच्छी आदत की है, उन्होंने तो इस साल अपनी यूनिवर्सिटी में मेरी बेटी का एडमिशन भी करा दिया साहब। अपनी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का पता क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी? ये निशा कहाँ गई है? एहसन से कह रही थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, उसको किताबें लौटानी थी लाइब्रेरी में, और फिर कुछ आगे एडमिशन के बारे में भी तफसील चाहिए थी उसे। अब आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत? अब इसके बारे में तो मैंने नहीं पूछा उससे। पर एहसन ने भी नहीं उसे मना किया? नहीं, वो तो चाहता है कि आगे और पढ़े। मोहसिन के बारे में क्या सोचा उन दोनों ने? मैं समझी नहीं। उन दोनों की अदम मौजूदगी में मोहसिन अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है।
लेकिन जलाल अब मोहसिन की वजह से हम एहसन और निशा को तो बाहर जाने पर नहीं रोक सकते। ये मैंने कब कहा है? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मोहसिन कभी अपने आप को तन्हा महसूस न करे। वो तो आप ठीक कहते हैं, मुझे भी मोहसिन की फिक्र रहती है सारा वक्त। रात को नींद ही नहीं आती ठीक से कि अब मेरा बच्चा क्या यूं ही मोहताज रहेगा सारी जिंदगी। शुक्र है मोहसिन अब दो चार कदम तो चलने लगा है, लेकिन उन चंद कदमों के बाद वो कितना थक जाता है। मेरा बेटा तो किसी भी कर्म का इजहार नहीं करता, बस अब तो एक और खौफ अंदर का सता रहा है। कैसा खौफ? मोहसिन की शादी का। अब निशा और एहसन की शादी हो जाएगी तो उसके दिल में भी तो ये ख्वाहिश पैदा हो सकती है। हाँ, मोहसिन अपने आप को संभाल ले तो मुमकिन है, वरना व्हील चेयर पे बैठे हुए लड़के को कौन अपनी बेटी देगा। जलाल, कितने और माजूर और बीमार लोगों की शादियां हो जाती हैं। हाँ माशाल्लाह, मेरा बेटा तो बहुत समझदार है। अब्बा जी, अब आप यूनिवर्सिटी में धक्के खाएंगे क्या उस लड़की के लिए? लड़की? और वो कोई गैर थोड़ी है, तेरी फुफो की बेटी है वो। फुफो की बेटी है? फुफो की जिंदगी में तो फुफो की बेटी याद नहीं आई आपको? फुफो के मरने के बाद वो अचानक से अजीज हो गई। बनो ऐसे अब्बा की वसीयत के बारे में बताया तूने कुछ? चौधरी साहब, जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही वो मैं किसी दूसरे को कैसे समझा सकती हूँ? और तेरी समझ में नहीं आ रही तो मुझ में छोड़ देना, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा निशा को। तुझे क्या तकलीफ है? लेकिन जरूरत क्या है इसकी? दादाजी ने वसीयत की। हाँ? और आपने सुन ली? अब दादाजी ने खुदा के हिसाब किताब थोड़ी लेना आपसे। और दादाजी ने हिसाब नहीं लेना ना, ऊपर तो बैठा है ना, अल्लाह ने हिसाब नहीं लेना दादाजी? लगता है अब्बा जी आजकल किसी मौलवी के साथ बैठ रहे हैं। समीर, इसमें दांत निकालने वाली कोई बात नहीं है। रोक अपने अब्बा जी को, अगर ये निशा से मिल रही है ना तो सोच, जायदाद में से हिस्सा देना पड़ जाएगा। लेकिन मैं क्या कहूं उनको? आपको तो पता ही है, जब वो एक बार इरादा कर ले तो उनको कोई नहीं रोक सकता। मैं तो दुआ मांगती हूँ कि निशा तेरे बाप को मिले ही नहीं, पर अगर मिल भी जाए ना तो खुद ही मिलने से इनकार कर दे। समीर, एक सूरत हो सकती है। क्या सूरत? ऐसा कर, जाके निशा से खुद बात कर। क्या बात कर रही हो अम्मा? मैं क्या बात करूंगा उससे? ये जो शैतानी फोन पे दिन भर तो लड़कियों से बातें करता है, वो मैं बताती समझाती हूँ कि तूने क्या बात करनी है? अम्मा, तू मेरी जासूसी ना किया कर, बहुत दफा मना किया मैंने तुझे। इस वक्त जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, जरा गौर से सुन। अपने अब्बा जी से निशा की यूनिवर्सिटी का अता पता मालूम कर और उससे जाके खुद मिल। फिर उससे कह दे कि तेरे अब्बा जी और तेरे दादा की सलाह है कि तेरी शादी निशा से हो। क्या? मैं क्यों करूंगा उससे शादी? अरे पागल, सिर्फ डराना है डराना। और उसे कहना कि अगर वो तेरे अब्बा जी से मिली तो तू उसे गोली मार देगा। पिस्तौल साथ ले जाना, हो सके तो खाली खुली फायर वायर कर देना। यूनिवर्सिटी में हवाई फायर? अच्छा, फायर ना करना, डरा धमका देना, डर जाएगी।
चल ठीक है, मैं करता हूँ बस बात। तो पूरे 2 घंटे वहां इंतजार करता है। गार्ड ने बताया कि इम्तिहान हो चुके हैं। अब पता नहीं निशा क्लासेस लेने आती है नहीं। चले, तेरे अब्बा की तसल्ली तो हो गई ना? नहीं, मेरी तसल्ली तो तभी होगी जब मैं निशा को उसकी अमानत लौटा दूंगा। हाँ चौधरी साहब, अब वो तलाश तो कर आया है ना? देखिए, आपकी मर्जी तो देने की थी, अल्लाह भी जानता है। अब वो नहीं मिली तो खुदा की मर्जी। वैसे भी अब्बा जी, अब दादाजी की अमानत आप मुझे सौंप दो। आखिरकार उनका इकलौता वारिस मैं ही हूं। चलो जनाब, ने आपके बरखुदार अपने अब्बा के जिंदा होने के बावजूद दादा के वारिस बन रहे, वाह। अब्बा जी, मैं तो मजाक कर रहा था। चौधरी साहब, हमारा बेटा माशाल्लाह से फरमा बरदार है। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे? जाऊंगा बिलाल के घर, उसके गार्ड से पता करूंगा। गार्ड तो जरूर देख चुका होगा जलाल का घर कभी ना कभी। अच्छा ठीक है, लेकिन आप समीर को साथ लेकर जाएंगे। अल्लाह जाने कैसे लोग हों, कैसे नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, जलाल समेत दो बार मिल चुका हूँ, वो बिलाल जैसा तो कम से कम नहीं है। लेकिन फिर भी अब्बा जी, आप अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे फूफो के घर का पता बता दें, मैं निशा के ताया के घर का पता खुद मालूम कर लूंगा। ठीक, हाँ ठीक ठीक है, लेकिन ये काम कल तक हो जाना चाहिए, पर शुरू हो जाए। क्या बात है, तुमने अचानक आगे एडमिशन लेने का इरादा क्यों तर्क कर दिया? मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना। निशा, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मैं देख रहा हूं तुम बहुत उलझी उलझी सी हो। ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ बोल रही हो ना मुझसे? ठीक है, आज के बाद मैं भी सच नहीं बताऊंगा। तुम हर बात में धमकियां क्यों लगाने लग जाते हो मुझे? और क्या करूं, तुम बता ही नहीं रही। बताओ मुझे। अच्छा, तुम प्रॉमिस करो कि तुम अहसन को नहीं बताओगे? ये तो और भी डराने वाली बात है। करो ना। ओके बाबा, नहीं बताऊंगा। अब बताओ मुझे। मोहसिन, वो लड़का जो उस दिन तुम्हारी व्हीलचेयर से टकराया था ना पार्क में, वो यूनिवर्सिटी आया था आज। तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुम्हारे साथ पढ़ता है? नहीं, मुझे तलाश कर रहा था। तुम्हें क्यों तलाश कर रहा था? पता नहीं, मोहसिन उसके पास पिस्टल भी थी।
पिस्टल? एहसन को बुलाओ। नहीं मोहसिन, एहसन को नहीं बताना। एहसन का टेम्परमेंट जानते हो ना तुम, कैसा गुस्सा है उसका, इसीलिए मैंने उसे उस दिन पार्क वाली बात भी नहीं बताई थी। तुम भी प्लीज उसे कुछ मत कहना। लेकिन पता तो चले कि वो तुम्हें तलाश क्यों कर रहा है। नहीं पता करना है मुझे, यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दूंगी, खुद ही छोड़ देगा मेरा पीछा करना। देखो निशा, मेरी बात को समझो, मुझे एहसन को बता लेने दो। तुमने एहसन को बताया ना तो मैं कभी बात नहीं करूंगी तुमसे। अब धमकियां कौन लगा रहा है? क्यों, बस तुम ही लगा सकते हो, मैं नहीं लगा सकती। लेकिन प्लीज बी केयरफुल, मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। अरे मोहसिन, तुम तो मुझसे भी ज्यादा परेशान हो गया। अच्छा ना, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं होना परेशान, एटलीस्ट तुम तो मत हो। आज मुझे गांव ना भी जाना होता ना, तब भी तेरे बेटे समीर के साथ मैंने जाना था। आप परेशान नहीं हो, पता लग जाएगा। मैंने समीर से कह दिया है, वो आज सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही करेगा। यही काम करेगा? अरे उसे याद ही कहां रहेगा, अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने से उसे फुर्सत मिलेगी तो हमारे काम करेगा ना वो। आप हर वक्त उससे क्यों नाराज रहते हैं? अंदर बाहर के काम सारे वही तो करता है। अब बस करो बस, जानता हूं जितने काम वो करता है। आप तो हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। जमीन जायदाद के सारे हिसाब किताब मुंशी नहीं देखता, जानते हैं आप अच्छी तरह, बूढ़ा हो चुका है वो। जब भी मेरे बेटे से कहते हैं वो जाता है सारे हिसाब किताब देखता है, और क्या करे वो। और जानता हूं जितने काम करता है वो, मुंशी के ऐबों पर पर्दा डालने के लिए उससे पैसे बटोरता रहता है वो, जानता हूं मैं। ये आपसे किसने कहा? मुंशी ने कहा होगा ना, और आपने फौरन मान लिया। चौधरी साहब हद करते हैं आप, हमारे बेटे को पैसों की कमी है क्या? खुदा का जो कुछ भी दिया हमारे पास है सब उसी का तो है। चलो चलो जल्दी करो। चौधरी साहब, मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा था ऐसे ही बैठे बैठे, सुरैया की बेटी के लिए अब्बा जी ने कितना कुछ छोड़ा होगा। जितना भी हो, तुम क्यों पूछ रही हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, मुझे क्या लेना देना, मेरी बला से सब कुछ उसे दे दे। अच्छा अच्छा, हम मैं गांव जा रहा हूँ, अपने बेटे से कहना बिलाल के घर चला जाए, कल आकर पूछूंगा उससे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लड़का अभी तक सोया पड़ा है। समीर, समीर उठ जा, उठो शाबाश, जल्दी उठो। समीर मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, उठ जा। नहीं भाई, अम्मा क्या हो गया? तो खैर तो है? हाँ सब खैर है, लेकिन तेरे अब्बा जी अगर निशा से मिल लिए ना, फिर समझ खैर नहीं। अरे निशा के सजाब का नाम, जब से उसका जिक्र हुआ है तू भी नहीं सोती और मुझे भी चैन से नहीं सोने। समीर ये चैन से सोने का वक्त नहीं है बेटा, तेरे अब्बा जी गाँव के, कल वापस आएंगे, तूने जो भी करना ना इन्हीं दिनों में करना है। मुझे माफ कर दो, उसे जो देना है दे दे, मुझे तू सोने दे। उसे जो देना है दे दे, और तू सारी जिंदगी मुंशी से पैसे बटोरता रहे। ये किसने कहा? मुंशी ने तेरे अब्बा जी को खुद बताया है। उसकी इतनी हिम्मत, उसका तो मैं वो हाल करूंगा, याद करेगा।
मुंशी के बारे में बाद में सोच, पहले सुरैया की बेटी को तलाश कर, उससे जाके मिल। उसे अपने अब्बा जी के इतना खिलाफ करते, इतना खिलाफ करते कि वो तेरे अब्बा जी से मिलने से खुद ही इनकार करते। ठीक है बोल दो, सो जाओ। ऐसे कामों में देर नहीं की जाती। ऐसा ना हो कि किसी दिन वो लड़की चल के हमारे सामने आ जाए और हम देखते के देखते रह जाएं। अरे अम्मा, तूने खामखा अपने ऊपर खौफ तारी किया है। ऐसी कोई मुंह उठा के थोड़ी आ जाता। खौफ ऐसे ही नहीं आते। ये जो रात दिन तेरे अब्बा जी उसके नाम की तस्बीह जपते हैं ना, देख लेना किसी दिन उस लड़की को लाके हमारे सामने खड़ा कर देंगे। ठीक है, जाता हूँ, बता देना, नाश्ता बनवा दो। बनवाती हूँ, जल्दी से आ तू। आ रहा हूँ। नया अजाब नाजिल हो गया निशा। हाँ माँ, हेलो। हाँ, मेरी गार्ड से बात हो गई है, उसने मुझे निशा के ताया के घर का एड्रेस बता दिया, उधर ही जा रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह। तू जो नहीं।